हेलो एवरीवन। अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना वेबिनार। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू सुविथ, योर ओन एआई ऑटो पावर्ड ऑटोमेशन अकाउंटिंग टूल। आज का जो अपने टॉपिक्स हैं, बहुत सारे न्यू फीचर्स जो हमने कल इवनिंग में लाइव किए हैं, उसके रिगार्डिंग हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज हमने प्रोवाइड की है। जैसे कि एक अपना एक ऑप्शन दिया है हमने, ऑटो सजेशन का क्लोनिंग ऑप्शन, कि अगर आपके पास एक कंपनी के अंदर ऑलरेडी आपने ऑटो सजेशंस क्रिएट किया है या रूल्स क्रिएट किए हैं, तो आप वो रूल्स को अपने दूसरे कंपनीज या दूसरे बैंक के अंदर आप उसको जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, सेकेंड इज है एक ऑटो मैपिंग का ऑप्शन दिया है, के साथ हमने आपको ऑप्शन दिया है ऑटो लेजर क्रिएशन। अब आपको अलग से मास्टर्स के अंदर जो है शीट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सेल्स परचेस के जो ट्रांजेक्शन स्क्रीन है वहीं से आप उसको अपलोड कर पाएंगे। साथ ही में एक ऑप्शन दिया है हमने रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड, जहाँ पे आप अपनी कंपनीज का रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। एक बहुत फीचर जो था, डिमांड था कि जब हम जीएसटी से लेजर क्रिएट करते थे, राइट, तो तब एक था कन्फ्यूजन कि ट्रेड नेम चाहिए या बिजनेस नेम चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसका एक ऑप्शन हमने दिया है कि जब भी आप लेजर क्रिएट करते हैं तब आप चूज कर सकते हैं कि आपको ट्रेड नेम लेना है कि बिजनेस नेम लेना है। तो अभी मैं मेरी जो स्क्रीन है शेयर कर रहा हूँ, एंड हम वन बाय वन सारे जो पॉइंट्स हैं कवर करेंगे। होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। ओके, सो जो नया हमने ईएक्सी वर्जन दिया है आप चेक कर सकते हैं, आपका जो भी अगर अपडेट नहीं हुआ है तो आपको अपडेट कर लेना रहेगा। नया जो वर्जन वो रहेगा V1.2.6। जब भी हम कोई अपडेट देते हैं उसका आपको यहाँ पर राइट साइड पे व्हाट्स न्यू के अंदर डिटेल्स मिल जाती हैं। समटाइम्स बहुत सारी कंप्लेन्स रहती हैं कि आप अपडेट देते हैं बट हमें पता नहीं होता है उसमें अपडेट में क्या आया है, तो आप ही के डैशबोर्ड के अंदर वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं जो क्विकली एंड इजिली विजिबल है। जैसे आप देख सकते हैं सुविथ ईएक्सी 1.2.6 अवेलेबल है, लेजर सिलेक्शन ऑप्शन, ईएक्सी ऑटो या मैनुअल अपडेट का ऑप्शन हमने दिया है, अलग अलग तरह के जितने भी हमने फीचर्स अपडेट किए हैं सभी का आपको रिक्वेस्ट यहाँ पे मिल जाता है। ओके, सबसे पहले हम जाएंगे अपने बैंकिंग के अंदर। जनरली जो भी कंपनी आपको यूज करनी होती है, राइट, तो ईएक्सी के अंदर हमने ऑप्शन दिया होता है ऐड कंपनीज का, अपनी कंपनी ऐड कर रखी है, लेजर सिंक कर रखा है, तो हम आगे जब भी बढ़ते हैं तो बैंकिंग में आपको इसका ऑप्शन मिलता है, राइट। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मेरी कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाता है बैंक का, एंड हम क्लिक टू अपलोड करके बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप मल्टीपल बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं कुछ इस तरह से, सिंपली अपलोड पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो जाएगा हम आगे का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जहाँ तक अगर आपको नहीं पता हो तो बता देते हैं कि ट्रांजेक्शन स्क्रीन के ऊपर जब भी कोई एंट्री हम बल्क में सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो बल्क सिलेक्शन जब भी एक फिल्टर को हिट करता है तो एक सजेशन क्रिएट होता है, वो सजेशन को सिस्टम रिकॉर्ड कर लेता है। ओके, एंड वही चीज़ आपको आगे इन फ्यूचर भी काम आती है। जैसे हमारा स्टेटमेंट प्रोसेस हो जाता है आपको मैं वो स्टेप्स बता देता हूँ। किसी को अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है आप सिंपली क्वेश्चन आंसर्स में पूछ सकते हैं, डायरेक्टली चैट भी कर सकते हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट्स अवेलेबल है, पैनलिस्ट अवेलेबल है, जो आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका आपको वहां पे प्रॉपरली आंसर मिल जाएगा। ओके, तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक रूल लिस्ट जो होता है कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास एक ऑलरेडी यहाँ पे स्टेटमेंट प्रोसेस हुआ हुआ है, हम सिंपली इस पे क्लिक कर देते हैं। आपको मैं जनरल फिल्टर बता देता हूँ, जैसे हमारा डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो जाएगा हम उसी डॉक्यूमेंट्स पे आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जब भी कोई भी एक कीवर्ड सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूपीआई सर्च करता हूँ तो जहाँ जहाँ स्टेटमेंट में यूपीआई लिखा है वो सारी एंट्रीज फिल्टर हो जाती हैं, राइट। सिमिलरली आप फोन पे यूज कर सकते हैं तो फोन पे की एंट्रीज आ जाएंगी यहाँ पे। ओके, पेटीएम है, ये सभी एंट्रीज आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप जब भी एंट्रीज को सिलेक्ट ऑल करते हैं लेजर में जाके कोई भी एक उसका जो असाइंड लेजर है सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं।
लेट्स टेक एन एग्जांपल, गुप्ता ट्रेडर्स। अगर जब भी मैं सिलेक्ट करके सेव करता हूँ इन एंट्रीज को, तो ये सारी एंट्रीज सेव हो जाएंगी। इन फ्यूचर जब भी आपके ये कंपनी के अंदर सेम बैंक आएगा और वहां पे फोन कहीं पे भी लिखा होगा, तो सिस्टम आपको गुप्ता ट्रेडर्स का सजेशन देगा। ये आपका एक ऑटोमेटिक ऑटो सजेशन का रूल क्रिएट हो गया। सेम रूल आप दूसरे कंपनीज के बैंक में या तो सेम कंपनी के बैंक में भी असाइन कर सकते हो, ताकि आपको बार बार जो है एक सिंपल रूल क्रिएट करने की जरूरत ना पड़े। सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन है रूल लिस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कंपनी मैंने यहाँ पे जस्ट एक रूल क्रिएट किया था, यहाँ पे आप क्लोन रूल कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप क्लोन रूल करेंगे, मेक श्योर कि आपने उसको सिलेक्ट कर रखा हो। क्लोन रूल करेंगे, अब आपको जो कंपनी सिलेक्ट करनी है, फॉर एग्जाम्पल कि अभी मैं यहाँ पे जो कंपनी यूज कर रहा हूँ, ABC लिमिटेड 1234, ऑलरेडी हम इसके अंदर कोई एक AS मार्केटिंग का बैंक हमने ले रखा है, राइट। मुझे इस बैंक में नहीं करना है, मुझे सपोज मान लीजिए कि मुझे सुविथ ये वाली कंपनी में करना है, और यहाँ पे जो भी मेरे बैंक लिस्ट आएगा इसके अंदर मुझे करना है, तो आप कोई भी XYZ कंपनी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बैंक अकाउंट ले लिया, ओके किया, तो ये जो रूल है इस वो कंपनी के रूल लिस्ट के अंदर असाइन हो जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि वो कंपनी में भी गुप्ता ट्रेडर्स नाम का लेजर होना जरूरी है, तभी वो रूल लिस्ट वहां पे क्रिएट होगा। ठीक है, हम क्विकली एक एग्जांपल लाइव कंपनी में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ए बैंक, सिलेक्ट ऑल करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं असाइन कर देता हूँ हितेश। ओके, एंड यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। आप ये स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे सजेस्टेड लेजर का ऑप्शन आ चुका है। सिमिलर वे में हम कोई दूसरी एंट्री अगर सर्च करते हैं, लेट्स ट्राई टैक्स, या तो फिर कोई दूसरी एंट्री ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास IMPS की एंट्री है। मैं सभी को सिलेक्ट करता हूँ, एंड सिर्फ एग्जाम्पल है कि इसको सपोज मैंने ले लिया कैश एंड कर दिया सेव, तो यहाँ पे मेरे पास दो एक्स्ट्रा रूल लिस्ट क्रिएट हो गई है। ओके, अगर आपको रूल लिस्ट देखनी है ये कंपनी की, सुविथ फिनटेक 10004, तो सिंपल है, हम मास्टर्स में जाके रूल लिस्ट में जा सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी कंपनी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हमने अभी तक सिर्फ दो ही लेजर सेव किए हैं, तो दोनों लेजर का आपको यहाँ पे रूल्स दिख रहा है, आप व्यू रूल करके भी चेक कर सकते हैं। एक हमने ई बैंक लिया है, IMPS लिया है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, कंपनी में गए, सेटिंग्स, रूल लिस्ट, अभी मैंने सारी एंट्री सिलेक्ट कर ली है, क्लोन रूल करूंगा मैं, यहाँ पे जाके मेरी कंपनी है सोविद। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बैंक सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मुझे बैंक शो नहीं कर रही है, तो उसका एक ही रीजन हो सकता है कि मैंने इस कंपनी को जो है प्रॉपर सिंक नहीं किया है। तो एक बार हम प्रॉपरली सिंक करेंगे तभी आपको लेजर शो करेगा। हमारे बहुत सारे यूजर्स का क्वेरी आता है कि मेरे पास टैली में लेजर तो मैंने बनाया है बट सुविथ में शो नहीं कर रहा है, तो मेन रीजन उसका यही होता है कि उसका सिंक जो है पेंडिंग होता है, तो अभी हम यहाँ पे सिंक कर लेंगे। आई होप जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं चैट बॉक्स के अंदर उनको प्रॉपरली आंसर्स मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजर सिंक सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। एक बार हम हमारा जो पेज है रीलोड कर लेंगे, सेटिंग्स, रूल लिस्ट एंड क्लोन रूल। तो ये जो दो रूल मैंने अभी जस्ट बनाए हैं, ये मेरे कॉपी हो चुके हैं सुवित वाले कंपनी में। अगर हम क्रॉस चेक करना चाहें तो सिंपली मास्टर्स, रूल लिस्ट, मैं यहाँ पे मेरी कंपनी नाम से भी सर्च कर सकता हूँ, इवन डायरेक्टली इस तरह सर्च कर सकता हूँ। आप देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा दो रूल यहाँ पे कॉपी हो चुके हैं, जिसका लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस तरह से। ओके,
तो आपका हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर भी, जब आपके कॉमन एंट्रीज होती हैं, और कैश हो गया, स्पेसिफिक सैलरी अकाउंट्स हो गए, स्पेसिफिक लेजर्स हो गए, जो हम डेली या सभी कंपनीज में कॉमनली यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है अपना एक फर्स्ट फीचर कवर हो चुका है। नाउ मूविंग ऑन टू अवर सेकेंड ऑप्शन, ऑटो मैपिंग। मास्टर्स में जाएंगे, सॉरी, हम ट्रांजेक्शन में जाएंगे। यहाँ से आप सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, जर्नल, ये सभी के एंट्रीज कर सकते हैं। सेल्स के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको सैंपल फाइल मिलती है, आप सैंपल फाइल में अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं, राइट, एवरीबडी इज नो दैट, या तो आप अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं मेरी कंपनी सिलेक्ट करूंगा। ओके, सिलेक्ट टाइप करूंगा विथ और विदाउट आइटम, क्लिक टू अपलोड। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, आप कुछ इन बातों का ध्यान रख सकते हैं कि हेडिंग में डॉट फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, आपका जो डेट फॉर्मेट है इट शुड बी DDDM4XY, कोई भी एक्स्ट्रा लाइन है, टोटल वगैरह है जो रिक्वायर्ड नहीं है आप डिलीट कर सकते हैं। कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखें यहाँ पे ऑटो मैप होके आया डेटा। तो इसी की बात मैं कर रहा था, ऑटो मैपिंग, जो आप मैक्सिमम डेटा यूज करते हैं उसके कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको डेटा ऑटो मैप मिलेगा, राइट। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है GST 2B की जो रिजल्ट जो डेटा आता है, सभी का कॉमन शीट ही आती है, राइट, हेडिंग्स, डेटा भले अलग हो, तो सबका मैपिंग प्रोसीजर भी मोस्टली सेम ही होता है। वो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको हम एक ऑटो मैपिंग सजेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे कुछ मैप करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ये ऑटो मैप फिल होके आया। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको रिक्वायर्ड है चेंज करना, आप चेंज कर सकते हैं, राइट। जैसे कि सपोज मुझे अमाउंट ये नहीं लेना है, मुझे कुछ दूसरा अमाउंट लेना है, तो आप उसको यहाँ पे स्क्रीन पे जो है चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे अमाउंट ले लेते हैं। आपको अगर कुछ रिक्वायर्ड है, डिफरेंट सेटिंग्स चाहिए, आपको डिफरेंट ऑप्शंस चाहिए, टॉप में हमने ऑप्शन दिया है कॉन्फ़िगरेशन का, आप सिंपली यहाँ पे जाके जो भी आपको रिक्वायर्ड है इनेबल कर लीजिए, रिक्वायर्ड नहीं है तो डिसेबल कर दीजिए। ठीक है, हम जाएंगे सेकंड स्टेप में। यहाँ पे भी बहुत सारे यूजर्स की क्वेरी आती है कि SGST यहाँ पे हम मैप नहीं कर पा रहे। सो एक्चुअल में SGST, CGST और जो IGST है अपना, ये टेलीफिल्स नहीं है, राइट, ये सब टेलीफिल्स आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन में। SGST, CGST जाएगा GST मैपिंग में। यहाँ पे आप सिंपली आपका जो भी लेजर है उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे हम मैप कर लेते हैं क्विकली। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको ऑप्शन दिया ऑटो राउंड ऑफ का। अब आपको अलग से राउंड ऑफ का एक लाइन ऐड करने की जरूरत नहीं है, सो विथ आपको वो ऑटो राउंड ऑफ खुद से करके दे देगा। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको राउंड ऑफ का लेजर ऐड करना है, एंड जो भी उसका मेथड है, नॉर्मल है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड, आप कर सकते हैं। ओके, थर्ड स्टेप में जाएंगे। अगर आपके पास कोई दूसरा अमाउंट है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे सेस दिख रहा है, मेरे इसमें कोई डेटा नहीं है बट सेस का एक लाइन ऐड है, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको लेजर शो नहीं करेंगे, आपको सिंपली टाइप करना है और वो लेजर सेलेक्ट कर देना है सेस का, एंड आप प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, हम चाहेंगे सेव एंड प्रोसीड। हमने सेकंड पॉइंट कवर किया यहाँ पे ऑटो मैपिंग का। अब यहाँ पे हम जो थर्ड एक पॉइंट है अपना ऑटो लेजर क्रिएशन, उसका करेंगे। तो जैसे आप अपनी शीट अपलोड करते हैं तो एक छोटा सा पॉपअप आएगा, ऑटो लेजर आइटम क्रिएशन, यहाँ पे जो मिसिंग नेम्स हैं, ओके, उसका लिस्ट आएगा। यहाँ पे आपको काउंट भी आ जाएगा कितने लेजर्स मिस मैच है। मिस मैच के दो रीजन होते हैं, फर्स्ट, या तो आपने लेजर सिंक नहीं किया है, अगर लेजर सिंक कर चुके हैं तो पॉसिबिलिटीज हैं जो एक्सेल शीट में जो डेटा आया है वो नाम और आपके टैली में जो नाम है दोनों में डिफरेंट हो, राइट। तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस सिंबल पे क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा ऑटोमेटिकली क्रिएट लेजर्स फॉर
मिसमैच डेटा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, क्रिएट विदाउट रिव्यू, रिव्यू बिफोर क्रिएशन, दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। विच नेम वुड यू प्रीफर टू यूज लेजर क्रिएशन, ट्रेड नेम और बिजनेस नेम? जीएसटी पोर्टल पे जो डेटा वहाँ पे सेव्ड है वो आप ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिव्यू बिफोर क्रिएशन कर लेते हैं, फिलहाल यहाँ पे हम ट्रेड नेम रखते हैं एंड क्रिएट। तो हमने रिव्यू बिफोर क्रिएशन किया है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से डेटा मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे सारा डिटेल्स आ चुका है ऑन द बेस ऑफ जीएसटी। हम स्क्रॉल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं पैन नंबर, पिन कोड, सब कुछ आ चुका है। अगर आपको ये नेम नहीं चाहिए, आप सिंपली बिना सेव किए बैक टू ट्रांजेक्शन लिस्ट पे आ सकते हैं। फिर से इस पर क्लिक कर सकते हैं एंड अगर आपको बिजनेस नेम चाहिए आप बिजनेस नेम ले सकते हैं। तो आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा। आपको डेटा सेव करना है, सेव करने के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल, सेव का बटन दिया है, शॉर्टकट है कंट्रोल एस। ओके, डेटा सेव होने के बाद अब हम डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे बैक टू सेल्स। आप देख सकते हैं मेरे सभी लेजर्स यहाँ पे सिलेक्ट आ चुके हैं विद देयर जीएसटी नंबर्स। एक यहाँ पे पर्टिकुलर्स है जहाँ पे हम फिल्टर यूज कर सकते हैं, मेरे पास 18 का अवेलेबल है, सिलेक्ट ऑल करेंगे। हम यहाँ पे जाएंगे पर्टिकुलर्स, सेल्स 18 सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे 28 का ऑप्शन भी है, सिंपल क्या करेंगे, क्रिएट लेजर, मेरे पास 28 का अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं सेल्स डेटा ले लूंगा, जीएसटी एप्लीकेबल है, यहाँ पे मेरे पास डेटा अवेलेबल है, टैक्सेबिलिटी, यस ऑफ कोर्स टैक्सेबल, आपको कब से एप्लीकेबल करना है उसका हम डेट ले लेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स कितनी उसकी परसेंटेज है, सो 28 एड हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक फिल्टर ले लेता हूँ मैं 28 का, सारे 28 का डेटा आ जाएगा एंड इस तरह से आप अपना जो सेल्स परचेस का जो वर्क है इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे भी शॉर्टकट दिया हुआ है हमने कंट्रोल एस, आप डायरेक्टली सभी एंट्रीज जो सिलेक्टेड हैं वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ओके, अगर इस पार्ट में किसी को डाउट या क्वेरी है आप प्लीज चैट में जो है अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो जैसे आपका डेटा सेव हो जाएगा आपको क्या करना है, आप डेटा पुश कर सकते हैं, आपके पास जितने फिल्टर्ड इनेबल्ड हैं एक बार आप रिमूव करके भी डेटा चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई एरर दिखा रहा है तो इट कैन पॉसिबल कि हमने शीट के अंदर लास्ट में कुछ एम्प्टी रो डाल दी हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो समटाइम्स यूजर्स कहते हैं कि शीट तो पूरी कंप्लीट हो गई है बट कुछ दिखा नहीं रहा, तो जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको आपके शीट के अंदर जो भी एक्स्ट्रा डेटा होता है लास्ट के अंदर, टोटल अमाउंट होती है या तो कुछ एक्स्ट्रा डेटा होता है, वो रिमूव कर देना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल जो मैंने रिमूव नहीं की थी, तो वो यहाँ पे आपको इस तरह से इश्यू क्रिएट कर सकता है। बट नॉट टू वरी, सिंपली वो लाइन सिलेक्ट करिए एंड आप उसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, हम कंट्रोल ए करेंगे, सिलेक्ट ऑल, सेव करेंगे एंड हम ये डेटा पुश कर सकते हैं। तो जो डेटा आप में क्रिएटेड नहीं था वो लेजर भी क्रिएट हो जाएगा, आपका डेटा भी आ जाएगा, पार्टी नेम भी क्रिएट हो जाएगा, राइट? आपको उसका जो डेटा है एप्लीकेशन पे मिलेगा कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं सबसे पहले लेजर क्रिएट हो रहे हैं एंड जैसे लेजर क्रिएट हो जाएंगे अब आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएंगी पुश करना, ये आपकी एंट्रीज जा रही है। ओके, सो ये जो ऑटो मैपिंग था साथ में ऑटो लेजर क्रिएशन था, इसमें कोई भी डाउट है आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, आप ये भी देख पा रहे हैं कि एक्सेल शीट के अंदर, सॉरी, आप जैसे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन के अंदर दोनों कंपनी कनेक्टेड बता रही है, बट जो हमने डेटा भेजा है वो सोविद 10,016 में भेजा है, तो उसी में डेटा जाएगा। एक यूनिक आईडी आती है टैली की तरफ से, जियो आईडी, उसके बेस पे सब कुछ यहाँ पे कनेक्ट होता है।
अगर आपको चेक करना है तो हम यहाँ पे आ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे लेजर्स क्रिएट हुए हैं। हम अल्टर में चले जाते हैं, लेजर्स। हमने एक सबसे पहले क्रिएट किया था सेल्स 28% का, यहाँ पे डेटा आ चुका है। आप देख सकते हैं 28 क्रिएट किया था, उसका प्रॉपरली यहाँ पे डेटा है। अगर हम कोई भी पार्टी नेम ओपन करते हैं तो उसके सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है, नेम, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, ताकि आपको अलग से जाके कभी डेटा उसमें एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड हमने यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है, रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सभी डेटा मिलेगा आपकी कंपनी का रिलेटेड। सबसे पहले आप अपनी कंपनी सेलेक्ट करेंगे जिसका भी आपको यहाँ पे डेटा देखना हो। ओके, हम सर्च कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक कंपनी है, यहाँ पे आपको पूछेगा आपको डू यू वॉन्ट टू चेंज द कंपनी, मतलब जिसका आपको डेटा देखना है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डेटा शो करेगा, राइट? एक सिंपल सा एग्जांपल और बता देते हैं। जैसे ये कंपनी मैंने सिलेक्ट की, इसका यहाँ पे कोई डेटा नहीं शो करेगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले वहां पे सिंक वाउचर करना पड़ेगा। जब भी आप सिंक वाउचर करेंगे तभी वो डेटा वहां पे आपको शो करेगा। ओके, तब तक हम नेट लिंक का जो डेटा है वो चेक कर लेते हैं। तो इस डैशबोर्ड के अंदर आपको एक प्रॉपर पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। आपका सेल्स एंड क्रेडिट नोट का डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगा, परचेज एंड डेबिट नोट का डिटेल, रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे ग्राफ दिया है इसमें सेल्स का डेटा है, ईयर वाइज दिया है, मंथली वाइज है। आप डे टू डे वाइज भी कर सकते हैं, क्वार्टरली देख सकते हैं कितना आपका इसमें सेल्स हुआ है। ओके, अगर आपको स्पेसिफिक कोई ईयर का डेटा देखना है, जैसे कि मेरे पास ये डेटा है, सिंपली आप इस पर क्लिक करिए तो जितना भी डेटा है, ट्रांजेक्शन हुए हैं सेल्स के, कितने बिल्स हैं, कितने पार्शली पेड हैं, फुल्ली पेड कितने हैं एंड अनपेड कितने हैं, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अब जो अनपेड है उनको बिल भी तो भेजना है हमें। यहाँ पे आप शेयर इनवॉइस पे क्लिक करिए, व्हाट्सएप, मेल, लिंक, डाउनलोड, प्रिंट, सभी ऑप्शन दिया है, आप वो कर सकते हैं। लेट्स डाउनलोड दिस बिल। तो आपका बिल जो है यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ओके, अगर किसी को आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं या डायरेक्टली लिंक भेजना चाहते हैं, लिंक भी आप कॉपी करके भेज सकते हैं, तो जिसको भी आप भेजेंगे वो डाउनलोड कर पाएगा। ओके, पेजिनेशन अवेलेबल है, आप यहाँ पे इस तरह से नंबर ऑफ डेटा देख सकते हैं। परचेज का डेटा है, परचेज भी आप देख सकते हैं, डेली परचेज कितना हुआ है, मंथली कितना हुआ है, इस तरह से आपको प्रॉपरली पूरा डेटा मिल जाएगा। आप इस पर भी कहीं क्लिक करेंगे तो वो डेटा आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे फिल्टर का स्टेटस भी दिया है, आपको सिर्फ पेड देखना है कितने पेड हो चुके हैं। ओके, कितने अनपेड हैं वो भी आप देख सकते हैं। सिमिलर वे में सेल्स वर्सेस क्रेडिट नोट है, इसमें भी आपको डिफरेंट फिल्टर्स मिल जाएंगे। सेल्स वर्सेस परचेज है कि सेल्स कितना था, परचेस कितना था, राइट? पेबल एंड वर्सेस रिसीवेबल भी अवेलेबल है, पेमेंट वर्सेस रिसिप्ट भी अवेलेबल है। यहाँ पे आपको बैंक कैश की रिसेंट एंट्रीज मिल जाएंगी। यहाँ पे रिसेंट एक्टिविटीज के अंदर जो रिसेंटली आपने डेटा किया है, पेमेंट का एंट्री है, रिसिप्ट की एंट्री है, सब डेटा आपको यहाँ मिल जाता है। आप देख सकते हैं नीचे हमारा एप्लीकेशन ब्लैंक हो रहा है, दैट मीन्स हमारा वाउचर सिंक हो गया है। वाउचर में आपका जो सभी डेटा है, ऑल दिस सेल्स परचेज क्रेडिट नोट डेबिट नोट सब डेटा आता है, तो थोड़ा टाइम लगता है उसको सिंक होने में। यहाँ पे आपका ग्रुप वाइज डेटा है, अगर आपको ग्रुप वाइज डेटा देखना है जो आप ग्रुप वाइज मेंटेन करते हैं, तो उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट? बैंक अकाउंट में है, ओडीसी अकाउंट कितना है, वाउचर टाइप अगर देखना है उसके अकॉर्डिंग है। आप स्टॉक ग्रुप मेंटेन करते हैं तो स्टॉक ग्रुप भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक एलईडी मॉनिटर का ग्रुप है, देन डेस्कटॉप का है, सीपीयू का है, तो इस तरह से भी आप डेटा देख सकते हैं। अगर कॉस्ट सेंटर वाइज मैनेज करें तो कॉस्ट सेंटर का डेटा यहाँ पे आ जाएगा, स्टॉक कैटेगरी वाइज करते हैं तो उसका डेटा यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे लास्ट में हमने आपको बहुत ही अच्छी चीज दी है, टॉप 5 कस्टमर्स, टॉप 5 सप्लायर्स,
5 ट्रेंडिंग आइटम, कि आपके टॉप 5 कस्टमर्स कौन से, उसके लिस्ट आपको मिल जाती है, सप्लायर है, देन यहाँ पे आपको टॉप 5 ट्रेंडिंग आइटम्स मिल जाती है। यहाँ पे भी तो हमने ड्रॉप डाउन दिया है, आप टॉप 20 तक इसको स्ट्रेच करके देख सकते हैं। अब ये पूरा जो रिपोर्ट है, अगर आपको स्पेसिफिक वाइज देखना है, यहाँ पे तो आपको मेन डैशबोर्ड मिल गया, सिर्फ सेल्स का देखना है आप यहाँ पे आ जाइए, सेल्स एंड क्रेडिट नोट, आपको एंटायरली सेल्स का डेटा मिलेगा, परचेस का है, सिमिलरली पेमेंट रिसिप्ट है। अब इसमें दोनों चीज ऑप्शन अवेलेबल है, जेकर है कि अगर सिर्फ ग्रोस का देखना है, सिर्फ नेट का देखना है, तो राइट साइड पे हमने आपको ऑप्शन दिया है ग्रोस एंड नेट का, आप फिल्टर यूज कीजिए, आपको उसके अकॉर्डिंग डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप मैप व्यू में जाते हैं या तो आइटम में जाते हैं सबसे पहले, तो आप आइटम वाइज भी डेटा दे सकते हैं कि कितना स्टॉक बचा है, कितना यूनिट बिक चुका है। ओके, यहाँ पे फिल्टर्स दिए हैं, ग्रुप कैटेगरी वाइज है, इवन आप सर्च भी कर सकते हैं, समरी है, कस्टमर डिटेल्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, राइट। एक आप मैप व्यू में देख सकते हैं कि हमारा बिजनेस कहाँ कहाँ हो रहा है, आप गुजरात के यहाँ पे हुआ है, महाराष्ट्र में है, इस तरह से भी आप नोटिफिकेशंस चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही नया फीचर है रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, आप अपनी कंपनी का डेटा वाउचर सिंक करके चेक कर सकते हैं, आपको इसमें बहुत सारी जो डिटेल्स है ना बहुत हेल्पफुल हो जाएंगी। ओके, सो जैसे कि आप सभी को पता है कि सुविद एक AI पावर्ड ऑटोमेशन सिस्टम है। ओके, तो यहाँ पे हमने आपको एक ऑप्शन दिया है CHGPT, सभी ने ChatGPT का नाम सुना होगा कि हमने कुछ क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आ गया, राइट। तो CHGPT भी उसी तरह चीज है कि आप यहाँ पे अपने GST के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल पूछ सकते हैं, राइट। CA के जो भी कोई भी क्वेरीज हो कि व्हाट इज GST हो गया, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। चलो एक हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसको, इज GST इज एप्लीकेबल ऑन स्टॉक मार्केट। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो सिस्टम उसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, आप मल्टीपल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, आप अपना आंसर यहाँ पे सेव्ड भी रख सकते हो, जब आप इसको क्लियर करेंगे तभी वो डिलीट होगा। ओके, तो ये आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है, आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, बहुत सारा डेटा आपके रिलेटेड आपको ये आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो सेकंड आप वेट कर लेते हैं, ये आपको प्रॉपरली रिजल्ट यहाँ पे दे देगा। आप देख सकते हो कि GPT अपना बीटा वर्जन के अंदर है, जितना आप इसको क्वेश्चन पूछेंगे, जितना आप इसको मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको आंसर देगा, ये उतना ज़्यादा ही ट्रेन होता रहेगा। कुछ आई गेस कुछ डेज के अंदर ये आपको रिजल्ट है ना कुछ सेकंड्स में देना चालू कर देगा। आप देख सकते हो कि यस GST इज एप्लीकेबल ऑन सर्टेन ट्रांजेक्शन इन स्टॉक मार्केट्स। इस तरह से आप इसका जो है क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर है आप ले सकते हैं। एक हमारा एक फीचर है ऑडिट का, जिसमें आप GST और 2RB की जो रिजल्ट्स होते हैं रिकंसलेशन हम करने का यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, जिसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, आपको सिंपली क्या करना है, आई गेस ये आपको आज एंड ऑफ द डे में आपका एक्टिवेट हो जाएगा, सभी को ऑडिट बीटा वर्जन, आप सभी इसको यूज कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको गेट GST डेटा पे क्लिक करना है, आपकी कंपनी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, कंपनी सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है एंटर GST नंबर आ जाएगा, देन आपका यूजर नेम, अगर आपने पहले एंटर नहीं किया है ओके, आपको ब्लैंक मिलेगा, आप अपना एंटर कर देंगे, सेव कर देंगे। ओके, सेव करने के बाद अगर आप गेट डेटा करते हैं, तो जैसे कि आपके GST पोर्टल से जब कोई डेटा लेते हैं तो OTP रिक्वायर्ड रहती है, आपको OTP एंटर करना है एंड सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। ओके, आई गेस ये आपको एंड ऑफ द डे में आपको पूरा एक्टिवेट मिल जाएगा, जिससे आपका जो GST 2B का जो आप चेक करते हैं डेटा कितना मैच हो रहा है कितना नहीं हो रहा, पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा। तो ये कुछ अपने न्यू फीचर्स थे जो हमने लॉन्च किए हैं। इवन आपको वेबसाइट पे भी एक ऑप्शन मिलता है कि आपका जो भी फीचर रिक्वेस्ट है आप हमें कह सकते हैं, जितने भी फीचर्स हमने दिए हैं ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं एट वन पॉइंट बहुत सारे क्लाइंट्स ने फीचर्स मांगे हैं, जिसको हमने ट्राई किया आपको प्रॉपर डिलीवर करने की। यहाँ पे ऑप्शन है लर्न सो विद, जिसके अंदर रिक्वेस्ट फीचर, आपको कोई भी फीचर रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं।
पहले क्या करते थे कि आप हमें फोन पे बता देते थे, हम फॉरवर्ड कर देते थे कि हमने मेल ट्राई किया। अभी वो सिस्टम हमने आपके सिस्टम पे अवेलेबल करा दिया है। आप वहाँ पे डेटा डाल दीजिए कि आपको कौन से मॉड्यूल में चाहिए, क्या टैग्स चाहिए, न्यू में कोई फीचर चाहिए, एग्जिस्टिंग में कुछ चाहिए, जैसे अदर में चाहिए, डिस्क्रिप्शन में है। ओके, आप सिंपली ये डेटा हमें भेज दीजिए। ये डेटा हमारा मैनेजमेंट के पास जाता है, डेवलपमेंट टीम के पास जाता है, वो लोग चेकआउट करते हैं कि इसको कैसे हम आप तक प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, एंड द लास्ट एंड वन मोर मेन थिंग, हम बैंकिंग में एक बार आ जाते हैं कि आपको अब से जो है बहुत सारे जो आपके बैंक स्टेटमेंट में आपको चेक नंबर मिल जाएगा। एक चेक नंबर रिक्वायर्ड था, राइट, कि चेक नंबर हम कैसे ऐड किए करें। तो सबसे पहले हमने आपको कंट्री सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन दिया था कि आप चेक नंबर इनेबल करके मैन्युअली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, राइट। अब हमने आपको ऑप्शन दिया है कि आप इनेबल कर दीजिए, हमारा सिस्टम जो AI है उसको ट्राई करेगा आपको चेक नंबर प्रोवाइड करने के लिए, तो आपको यहाँ पे चेक नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको जो है आपके बैंकिंग में कुछ सेटिंग्स ऑन करनी रहेगी टैली के अंदर, उसके बेसिस पर आपके डेटा जब भी पुश करेंगे तो चेक नंबर भी आपको मिल जाएगा। सेटिंग्स में कॉन्फ़िगरेशन के अंदर और भी ऑप्शन है, बैंक एलोकेशन, सप्लायर रेफरेंस नंबर, आप इनको इनेबल करके ये डेटा भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आपको आपको अलग से टैली में जाकर एडिट करने की जरूरत नहीं, आप स्विफ्ट में ही वो सब आप कर सकते हैं। ओके, होपफुली आई गेस जो भी मैंने बताया आपको प्रॉपरली क्लियर हो चुका होगा कि तो क्या नया फीचर आया क्या नहीं आया है। ओके, एक हमने देखा था ऑटो अपडेट, राइट। एक ये भी एक क्वेरी आती है कि सर आपने ऑटो अपडेट, और आपने अपडेट दे दिया, अभी हमारा काम चल रहा था, काम अटक गया, ऐसा बहुत सारे क्वेरीज आती है कि हमें अपडेट करना नहीं आ रहा है, या तो फिर काम चालू तब अपडेट बीच में आ गया, बहुत सारे केसेस में होता है, राइट। नॉट विथ सो विथ, अगर आप विंडोज यूजर हैं तो समटाइम्स आपका अपडेट हो गया है बट आपने इंस्टॉल नहीं किया, तो इंस्टॉलेशन ले लेता है फोर्सफुली, आपका काम चल जाता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के साथ होता है। हमने सुविध के साथ ये ट्राई किया है, आप सेटिंग्स में जाइए, नीचे एक ऑप्शन दिया है EXE ऑटो अपडेट। ओके, अगर आप यस रखते हैं तो जब भी हम सुविध का कोई अपडेट देंगे वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ओके, अगर आप नो करते हैं, ओके, तो ये आपको पूछे आपको बताएगा कि यू विल नीड टू मैनुअली अपडेट द एप्लीकेशन। तो जब भी हम अपडेट देंगे तो आपको मैनुअली अपडेट करना रहेगा, अगर आप नहीं करते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, बट यस एक टाइम होता है कि जब एक मैंडेटरी बोलते हैं ना कंपलसरी अपडेट होता है कि वो करना ही पड़ेगा, क्या चलो आपने दो तीन अपडेट स्किप कर दिया दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट कोई मेजर अपडेट आया तो आपको करना ही पड़ेगा, उस केस में ये रूल ओवरराइट होकर आपका एप्लीकेशन ऑटो अपडेट हो जाएगा। अदरवाइज कंपलसरी नहीं है एप्लीकेशन अपडेट करना तो वो नहीं होगा। और जैसे कि अपडेट अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे पासवर्ड के नीचे फ्लैश होगा कि अपडेट अवेलेबल है, अगर आपको करना है तो आप तुरंत कर सकते हैं और यू कैन स्किप दैट पार्ट। तो अपने जो 7-6 पॉइंट्स थे आज का वेबिनार का हमारा मेन टॉपिक था, कवर करना था हमें, आई गेस आपके से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थे डे टू डे में वो सॉल्व हुए हैं इसके अंदर। ओके, तो जैसे हमारे बहुत सारे क्वेरीज थी, मेनली एक तो चेक नंबर हो गया बैंकिंग का, एक रूल क्लोनिंग हो गया, ऑटो अपडेट, ये तीन ऐसे मेजर फंक्शंस हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। एक अपना ऑटो मैपिंग के साथ ऑटो लेजर क्रिएशन, राइट, आपको अब अलग से मास्टर में डेटा अपलोड करने की जरूरत नहीं है, उसमें भी एक ऑप्शन आ गया है कि यस ट्रेड नेम लेना है कि बिजनेस नेम लेना है। तो ये बहुत क्वेरीज थी, बहुत सारे ने हमें रिक्वेस्ट किया था, तो फाइनली हमने डिलीवर किया है। आप ऐसे ही बहुत सारे आप फीडबैक सजेशन हमें दीजिए, हम हमारा प्रोडक्ट और भी इसको इम्प्रूव करेंगे, राइट। अभी कुछ 15 मिनट्स पेंडिंग है, तो लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर, जो भी क्वेश्चन हैं हम उसके आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करने की ट्राई करते हैं। आपको किसी को कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन आंसर आप सीधा डायरेक्टली पूछ सकते हैं, एंड वी कैन ट्राई टू आंसर दैट। तो एक रिचा मैम ने क्वेश्चन पूछा, हाउ टू मेक एंट्रीज ऑफ मल्टीपल मोड ऑफ पेमेंट्स। ये मैम आप एक काम कीजिए, एक बार सपोर्ट पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको स्प्लिट करना है अमाउंट वो तो इजीली हो जाता है, अगर आपको मल्टीपल मोड्स किस तरह से, एक बार आपका मेथड देखना पड़ेगा हमें। रमेश जी ने पूछा है एक बार ऑटो लेजर क्रिएशन बताइए। ओके, सो सेल्स में चले जाते हैं एक बार फिर से। ओके, छोटा सा शीट प्रिपेयर कर लेते हैं।
यहाँ पे पार्टी नेम में कुछ भी रैंडम नेम ले लेता हूँ फिलहाल, ताकि इजी रह जाएगा। ठीक है, हम वापस से देख रहे हैं, ऑटो लेजर क्रिएशन एंड ऑटो मैपिंग दोनों देख लेंगे। अपलोड पे क्लिक करेंगे, कंपनी सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट टाइप विथ और विदाउट आइटम, क्लिक टू अपलोड। हमने जस्ट एक शीट डाउनलोड की है, तो डाउनलोड ले पार्ट, एंड अपलोड। कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड पे देखिए ऑटो मैप होके आया है। आपको खाली क्रॉस चेक करना है प्रॉपर है कि नहीं, राइट? ठीक है, एक बार देख लेंगे तो बेटर रहता है। SGST CGST चले जाएंगे, GST मैपिंग के अंदर मैप्ड है। अगर मैप नहीं है तो आप ड्रॉप डाउन से मैप कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है, यहाँ पे अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं। सेवन प्रोसीड, यहाँ पे आपको डिटेल्स बताएगा। क्लिक ऑन द प्लस आइकन टू क्रिएट नो देम ऑटोमेटिकली। तो प्लस सिंबल आपका यहाँ पे है, इस पर क्लिक करना है। क्रिएट विदाउट रिव्यू डायरेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर रिव्यू बिफोर क्रिएशन करना है तो वो भी ऑप्शन है। ट्रेड नेम लेना है कि बिजनेस नेम लेना है, इट्स ऑल अप टू यू, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्रिएट विदाउट रिव्यू रहेगा एंड ट्रेड नेम रहेगा, तो आपको चेंज करना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, शीट के अंदर जिस पार्टी के नेम के आगे GST है उसी के बेस पे वो डेटा लेगा। ठीक है, इस तरह से डेटा रहेगा, आप सिंपली सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। यस, कुछ चेंज करना है उसका ऑप्शन भी अवेलेबल है, जैसे कि मुझे रजिस्ट्रेशन टाइप चेंज करना है सभी का। सिलेक्ट ऑल, रजिस्ट्रेशन टाइप आप यहाँ से कर सकते हैं, अनरजिस्टर्ड, अननोन, रेगुलर। अगर आपको कुछ और फिल्टर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सेव कर देंगे, देन आपको यहाँ पे बैक टू सेल्स जाना है। आपका जो भी एरर है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक बार पूरा डॉक्यूमेंट सेव कर देंगे, देन सेंड टू टैली। बस इतना ही करना है, तो आपका लेजर भी क्रिएट हो जाएगा एंड डेटा भी पुश हो जाएगा। बट मेक श्योर कि एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि एक्सेल शीट में जो नेम आया है वो नेम आपके कुछ टैली में जो पार्टी नेम्स, आप कोई भी दो तीन नाम क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं प्रॉपर है, राइट? समटाइम्स होता है कि हमने टैली में स्मॉल ABC में बना लिया और क्लाइंट ने जो डेटा भेजा है वो कैपिटल में भेज दिया, तो ऑब्वियसली मिसमैच कर जाएगा, राइट? तो आपको छोटा मोटा जो है ध्यान रखना है। रवि कुमार का एक क्वेश्चन है, क्या बैंक स्टेटमेंट मैनुअल क्रिएट करके एक्सेल में अपलोड किया जा सकता है? यस, डेफिनेटली किया जा सकता है। इसके लिए आप एक सिंपल सा अपना एक्सेल शीट क्रिएट कर सकते हैं, और एल्स हमारी एक FAQ लिंक है, help.suvit.io, राइट? आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर लिंक नहीं पता चल रहा है तो डैशबोर्ड के अंदर, मतलब जो अपनी स्क्रीन है मेरी, ठीक सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखिए FAQ दिया है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक FAQ की लिस्ट आ जाएगी। आप सिंपली यहाँ पे कैश लिख लीजिए, सैंपल शीट फॉर कैश एंट्रीज। आप इसको अपने बैंक में भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक हमने क्रिएट करके अपलोड की हुई है, वो शीट को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आपको सीरियल नंबर, डेट, नरेशन, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, डीआर शेयर, आप इस तरह से मेथड करके भी अपलोड कर दीजिए, डेटा चला जाएगा। मेक श्योर कि डेट सेट DDDM4WY में प्रॉपरली हो, राइट? एंड बाकी आप जो भी डेटा डालेंगे सिस्टम कैप्चर करके आपको प्रोवाइड कर देगा। आशीष जी ने क्वेश्चन पूछा है, प्लीज गिव ऑप्शन एंड ट्रांजेक्शन लिस्ट फॉर कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। और सर काइंडली एलोबरेट योर क्वेरी एंड क्वेश्चन ओनली, तो कुछ प्रॉपर आंसर आपको मिल जाएगा। कैन वी सेंड इनवॉइसेस डायरेक्टली थ्रू थ्रू मेल? दीपक सर ने पूछा, दीपक जोशी सर ने। यस, आप यहाँ से मेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। आपको करना है, आप रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड में आ जाइए, आपने जो भी बिल क्रिएट किया है सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यस मेल, आपका जो भी मेल होगा उसमें डेटा चला जाएगा, आप वहाँ पे सिलेक्ट करिए अपना, सिंपली मेल कर दीजिए, राइट? आप इस तरह से मेल कर सकते हैं। इवन अगर आपने क्रिएट इनवॉइस किया है, ट्रांजेक्शंस के अंदर क्रिएट इनवॉइस का ऑप्शन है, आपने कोई इनवॉइस क्रिएट किया है अब वो भी मेल कर सकते हैं यहाँ से। तो उस चीज़ का हमने ख्याल रखा है कि व्हाट्सएप, ईमेल, आप लिंक भी डायरेक्टली भेज सकते हैं, डायरेक्ट
डाउनलोड भी कर सकते हैं, इवन प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अनुज कुमार सर ने एक क्वेश्चन पूछा है, आई हैव परचेज योर सॉफ्टवेयर बट नाइदर सिंकिंग माई लेजर नॉट पुशिंग टू टेल यू। सर इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे तो जरूर से वो सिंक स्टार्ट हो जाएगा। मेनली जैसा होता है कि समटाइम्स हम टीडीएल से कुछ बनाते हैं तो टीडीएल हम सपोर्ट नहीं करते, राइट? क्रैक वर्जन टेली का हम सपोर्ट नहीं करते, ओके? इसमें ऐसा भी हो सकता है कि पोर्ट सेटिंग बाकी हो, तो पोर्ट सेटिंग्स के थ्रू भी हो सकता है, राइट? तो छोटे मोटे कोई सेटिंग्स होगी पोर्ट वगैरह की, आई गेस उससे हम चेंज करेंगे, सॉल्व हो जाएगी। आप जरूर से एक बार सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करिए ना, वो आपको प्रॉपरली कर देंगे। अगर आपके सिस्टम पे नहीं कर पा रहे तो एक बार उनको थोड़ा एक्सेस का राइट्स दीजिएगा, वो लोग फायरवॉल में एक बार कंपनी ऐड कर देंगे। यस, समटाइम्स जो एंटीवायरस सिस्टम होता है वो भी ब्लॉक कर देता है, तो उसमें बाईपास कर देंगे तो हो जाएगा। कमलेश जोशी सर ने पूछा है, सम एप्लीकेशन प्रोवाइड एक्सेल परचेज एंड सेल्स डेटा अस, कैन आई इम्पोर्ट दैट डेटा फ्रॉम सेल्स परचेज? यस सर, सिंपली आप छोटा मोटा मॉडिफिकेशन करके कर सकते हैं, राइट? जैसे कि हेडिंग शुड बी ऑन फर्स्ट, राइट? एंड जो भी आपका डेटा है वो फर्स्ट शीट में होगा, सो मल्टीपल डेटा है अंदर ही, तो आप फर्स्ट में डाल के उसको कर सकते हैं। और रविंद्र जैन सर ने पूछा, ऑलमोस्ट बैंक प्रोवाइड बैंक स्टेटमेंट इन नॉट पैड, दैट टाइम हाउ कैन आई इम्पोर्ट? सर आरपीटी एंड जो नॉट पैड का जो स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, पहली बात तो एक ब्लैंक पेज पे कैनवास पे डेटा आ गया, राइट? तो बहुत सारे हमारे यूजर्स क्या करते हैं, दे कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इनटू वर्ड फाइल एंड अपलोड टू इन अवर सिस्टम, राइट? तो कभी जो सिस्टम है उसको रीड कर पाता है। सॉरी थोड़ा सा वॉइस लो आ रहा था उसके लिए, आई गेस अब थोड़ी प्रॉपर है, ओके? तो हम बात कर रहे थे नॉट पैड वाली, तो बहुत सारे हमारे यूजर्स उसको वर्ड में कन्वर्ट करके अपलोड कर देते हैं, सिस्टम उसे रीड कर लेता है, राइट? बहुत सारे स्टेटमेंट्स हम पहले प्रोसेस कर रहे थे जो कि कुछ रीजंस की वजह से हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत बार उसमें डेटा प्रॉपर नहीं आया था, बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी, तो कुछ जो कोड है उसको हमने बैक किया है, बट यस कुछ नया कोड हमने फिर से अप किया है तो बहुत सारी फाइल्स आ जाती है। आपने भी देखा होगा कि डेट है, डेट के बाद नरेशन है, नरेशन आपके विड्रॉल एंड क्रेडिट अमाउंट तक जा रहा है, फिर भी वो डेटा रीड हो जा रहा है, राइट? तो डे बाय डे हम AI सिस्टम को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। यस सर, हमें पता है कि बहुत तकलीफ होती है यार, बहुत लंबा टाइम चला जाता है नोट पैड में आया डेटा लिखने में, बट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, ट्रस्ट अस कि एक टाइम आएगा कि नोट पैड की सारी फाइल्स हम कर पाएंगे, हम उस पर और रिवर्क कर रहे हैं। चितांजु सर, आपको जो डेमो चाहिए यू कैन कनेक्ट द टीम एंड दे विल प्रोवाइड यू फॉर द क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। सेल्स परचेज क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट सभी का मेथड प्रॉपर ही है, सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। एक क्वेरी आई है कि ई पासबुक कैनेडा बैंक नहीं हो रहा है, आई एग्री नहीं हो रहा है, बिकॉज डेट एंड नरेशन, आपको भी पता है कि नरेशन पूरा ऊपर से स्टार्ट होता है एंड डेट बीच में आती है, जनरली डेट नरेशन एंड अमाउंट तीनों एक लाइन में होती है। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट है जिसमें ये तीनों साथ में नहीं होते, बट उनमें स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा एक प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर बीच में डेट दिया, नरेशन ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो एक स्ट्रक्चर मिल जाता है सिस्टम को रीड करने का, राइट? अब जब सिस्टम डेटा रीड करेगा तो हेडिंग्स चलो रीड हो गई, फिर जब डेटा रीड करेगा तो पहले उसको नरेशन मिलेगा, फिर अमाउंट मिलेगा, सॉरी अमाउंट नहीं डेट मिलेगा, तो आपका आधा नरेशन वहीं पे कट हो जाता है, राइट? तो एक स्ट्रक्चर के लाइनिंग का इश्यू है, होपफुली हम उसको भी कुछ अगर कन्फिगर कर पाए वो भी रीड हो जाएगा, बट टिल देन एक जो अपना ई पासबुक है कैनेडा बैंक का वो नहीं हो पाएगा, सॉरी फॉर दैट। नयन मेहता सर का क्वेश्चन है, हाउ सेल्स और परचेज 10 टू आइटम्स इन अ सिंगल बिल? ओके, बहुत सिंपल है सर, आपके पास डेटा तो अवेलेबल हो गई, बट मैं आपको मेरे यहाँ पे बता देता हूँ, हमारी सैंपल शीट है, ठीक है? लेट्स कॉपी दिस, ओके? यहाँ पे आइटम ऐड कर देते हैं, सपोज गोल्ड सिल्वर प्लास्टिक, ओके? तो आप मल्टीपल आइटम दे सकते हैं, सपोज सभी में 18% भी लग रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर सब में डिफरेंट डिफरेंट है तो आपका जो भी डिफरेंट रेट है वो आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है? आप पे डिपेंड करता है, आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, सभी का रेफरेंस नंबर सेम है तो ये सभी का सभी डेटा एक में ही जाएगा, एक बिल के अंदर आपका हो गया टोटल 6 एंट्री, सिंगल बिल 6 एंट्रीज, फिर डिफरेंट जीएसटीज भी हो सकता है, सेम जीएसटी अमाउंट भी हो सकता है, अमाउंट कुछ भी एवरी सिंगल हो सकता है, सिंपली अपलोड कर दीजिए, आपका वर्क यहाँ पे डन हो जाएगा सर। हाउ
हाउ टू इम्पोर्ट सेल्स इन एक्सेल फॉर्मेट। सर यही है कि आपका जो भी एक्सेल शीट है, सेल्स में जाइए, यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अंदर सेल्स एक्सेल आपको यही पेज मिलेगा। इवन सेल्स रिटर्न है, देन परचेज, परचेज रिटर्न, सभी में एक्सेल का ऑप्शन यहाँ पे दिया है लेफ्ट साइड कॉर्नर पे। अपलोड करेंगे आप एक्सेल अपलोड कर पाएंगे। आई गेस आप लोगों जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं हमारे पैनलिस्ट ने आपको यहाँ पे आंसर प्रोवाइड कर दिया होगा। आई विल आस्क माई पैनलिस्ट कि आप जो है यूट्यूब के लिंक ड्रॉप कर दीजिए, व्हाट्सएप की जो कम्युनिटी लिंक है वो आप ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है सुविध का, आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हम बहुत सारे रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। राइट, बहुत सिंपल है। अगर आप लिंक नहीं मिलती है कोई दिक्कत नहीं है, डैशबोर्ड में जाना आपके लॉगिन्स के अंदर, राइट साइड पे ज्वाइन और व्हाट्सएप कम्युनिटी। ट्रस्ट मी, आपको यहाँ पे मार्केटिंग का कुछ भी मैसेज नहीं आएगा, आपको सारा जो भी वहाँ पे मटेरियल आएगा या लिंक्स आएगा, इट्स ऑल रिलेटेड टू सुविथ ओनली। राइट, कब हम वेबिनार करने वाले हैं, कब हम पोल क्रिएट करने वाले हैं, या तो जब भी हम कोई क्वेश्चन डालेंगे, सब आपको वहाँ पे डेटा मिल जाएगा। इट्स अ सुविथ कम्युनिटी ग्रुप, आप ज्वाइन करिए। जैसे कि अब हमने जो वेबिनार किया था, जो कर रहे हैं, उसका सारा डेटा सबसे पहले वहीं पे अपडेट जाता है। अगर हम कोई अपडेट दे रहे हैं, सबसे पहले अपडेट आपको व्हाट्सएप पे ही मिलेगा। राइट, तो आप एक कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। राइट, ये जो वेबिनार हम कर रहे हैं, इसका पूरा रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। आप सिंपली यूट्यूब पे जाइए एंड सुविध सर्च करिए, आपको सुविध का यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे आपको यूट्यूब पे हमने जो भी वेबिनार किए हैं, अपकमिंग न्यू वीडियोज हैं, फीचर्स हैं, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, प्रीवियस जो हमने वेबिनार किए थे उसके लिस्ट है, एफएक्यू लिस्ट है, ट्यूटोरियल वीडियोज लिस्ट है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे भी पोल क्रिएट करते हैं, आपको पोल पे भी जो आप रिप्लाई कीजिए, आपको उस पर भी आंसर्स बहुत सारे जो है उस पर भी वीडियोज मिल जाएंगे। ओके, आप एक्स्ट्रा लाइन्स ऐड कर सकते हैं अपने शीट के अंदर ही। अगर आपके पास मान लीजिए सेस है, टीडीएस है, आप सिंपली ऐड कर दीजिए हमारे सैम्पल शीट में। अगर आपके पास खुद की शीट है तो आप उसको भी मैप कर सकते हैं। आपको मैप क्या करना है, आपका जो मैपिंग का जो थर्ड स्टेज है, राइट, यहाँ पे हम एक शीट ले लेते हैं, चेंज मैपिंग। यहाँ पे जो सेकंड स्टेज है जीएसटी मैपिंग के बाद, थर्ड स्टेज आता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका सेस अमाउंट है, टीडीएस अमाउंट है, सिंपली आप इसको यहाँ पे मैप कर दीजिए सर्च करके, वो यहाँ पे वो आ जाएगा। अरुण गुप्ता सर का क्वेश्चन है, क्या फॉरेन करेंसी इनवॉइस को सुविध सपोर्ट करता है? सर देखिए, अमाउंट तो अमाउंट होती है, राइट, डॉलर साइन तो हम टैली में सपोर्ट करते हैं, आप अपलोड करके चेक कर सकते हैं, ऑब्वियसली हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप हमें डेटा भेजिए, और वैसे भी इसको और एक्सपांड करने का प्लानिंग चल ही रहा है, तो उसमें हेल्प हो जाएगी एंड आपको उसमें हम प्रॉपर डेटा प्रोवाइड कर पाएंगे। आई गेस बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल रहे हैं, थोड़े बहुत पेंडिंग भी हैं, हमारे पैनलिस्ट ट्राई कर रहे हैं फटाफट आपको आंसर देने के लिए। कमलेश जोशी का क्वेश्चन है सर का, कि स्कैन पीडीएफ में इश्यू आता है जनरली, प्रॉपरली नहीं हो पाता है। ओके, तो स्कैन पीडीएफ में आप मान लीजिए कि जैसे कि सबसे बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं कि हम एटीएम मशीन में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, वहाँ पे भी लिखा रहता है ना कि नोट फटी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा मुड़ी भी नहीं होनी चाहिए, कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, तो कुछ स्टैंडर्ड होता है। तो अगर आप स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, राइट, तो सबसे पहले कि नोटपैड फॉर्मेट है उसका स्कैन तो अपलोड मत ही कीजिए। सेकेंडली, कुछ हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चरल होगा, स्ट्रेट है तो हो जाएगा। बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट को हाथ में ले लिया, फोटो खींच के भेज दिया, नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते। एक फ्लैट सरफेस यूज कीजिए, टेबल ले लीजिए या तो फिर फ्लोर ले लीजिए, प्रॉपर रख के। एक बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन आते हैं, गूगल का कैम स्कैनर एक आता है, आप वो ले लीजिए, उससे स्कैन करके करिए अपलोड, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। राइट, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपने स्कैन तो प्रॉपर किया है, स्कैनर से यूज किया, राइट, तो स्कैनर से तो मतलब और क्या उससे बेटर क्या ही हो सकता है, राइट। बट समटाइम्स प्रिंटिंग प्रॉब्लम भी होती है, वो एक लाइन थोड़ी ब्लर हो गई है या तो फिर कुछ अमाउंट कट हो गया, तो सर उस केस में कुछ नहीं किया जा सकता। राइट, हमारे बहुत सारे यूजर्स हैं कि हाँ हमने तो स्कैनर से किया है, राइट सर, बट वो आपका जो डॉक्यूमेंट आया उसी में प्रिंटिंग थोड़ा इश्यू है, तो नहीं हो पाता है। रमेश कुमार सर ने पूछा, कैन यू प्लीज प्रोवाइड डेमो टू माई स्टाफ? डेफिनेटली, आप मेल या तो फिर एक बार कॉल करके जो है डेमो लिंक की रिक्वेस्ट कर दीजिए, आपको डेमो लिंक मिल जाएगी, आप उसमें जो है अपना बोर्डिंग शेड्यूल करा दीजिए,
टीम आपको उस टाइम पे जो है ऑनबोर्डिंग प्रोवाइड कर देगी। समीर सर का क्वेश्चन है कि जीएसटी स्टेचुअरी रिपोर्ट में कुछ करेक्शन नीडेड आता है, सो एक बार टैली सेटिंग्स चेक करना पड़ेगा, उसी में सॉल्व हो जाएगा। मोनिका मेडा ने पूछा है कि एक बार उनको देखना है डेमो, शॉर्ट टाइम के लिए वजह से अभी हम शो तो नहीं कर पाएंगे, बट यस एक बार आप सपोर्ट पे कॉल कर दीजिए, आपकी एक्सेल शीट लेके आइए, तो आपको स्पेसिफिक एक्सेल शीट पे ही हम वहाँ पे शो कर देंगे, राइट? आप शीट थोड़ा प्रिपेयर करके आइए, टीम विल हेल्प यू प्रॉपरली। आई गेस सभी क्वेश्चन आपके आंसर्स हो चुके हैं, देर आर अराउंड 154 क्वेश्चन वेयर आस्क, सबके आंसर जा चुके हैं, एंड अगर किसी का क्वेश्चन छूट गया है तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट यस आपके पास सपोर्ट नंबर अवेलेबल ही है। यस सपोर्ट नंबर से मुझे एक बहुत अच्छी चीज याद आई है कि आपके लिए सपोर्ट नंबर यही रहेगा, राइट? हम जो आपको कॉल करते हैं तो आपको एक वर्चुअल नंबर आता है, राइट? तो हम वर्चुअल नंबर सेव कर लेते हैं, ओके? बट अपना सपोर्ट नंबर हमेशा यही रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप वर्चुअल नंबर को जो नंबर आपको कॉल है उसमें कॉल नहीं लग रहा है, तो आप अपने वेबसाइट पे यहाँ पे सपोर्ट पे जाइए, यहाँ पे नंबर दिया है आप उस पर डायल कीजिए, राइट? एंड टीम विल गाइड यू प्रॉपरली। ओके क्विक क्वेरी आई है, उसको यहाँ पे ट्राई करते हैं, पॉसिबल नहीं सॉल्व हो जाएगा। ओके यहाँ पे एफएक्यू के अंदर हमने एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दी है स्प्लिट कंपनी का, अभी से बहुत सारे लोग कंपनी स्प्लिट्स भी कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे है हाउ टू सब्सक्राइब स्प्लिट कंपनी इन सुविंग, आपको वर्ड टू वर्ड ए टू जेड डिटेल्स यहाँ पे दी है। अगर आपको कंपनी स्प्लिट करना नहीं आ रहा है तो उसका भी यहाँ पे एक लिंक दिया है जो आपको टैली वेबसाइट पर डाइवर्ट करेगा, वहां से कर सकते हैं। सो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जब आप कंपनी स्प्लिट करेंगे तो दोनों कंपनी आपको यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन है वहाँ पे डिस्कनेक्टेड शो करेगी, राइट? आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने माई कंपनीज में जाना है, राइट? आपको माई कंपनीज में आपको तीनों जो आपकी कंपनी स्प्लिट है वो डिसेबल शो करेगी। सिंपली आपको जो कंपनी इनेबल करनी है उसको कर सकते हैं, मतलब ए कंपनी को स्प्लिट किया आपकी कंपनी बनी ए बी, तो ए का क्रेडिट आप ट्रांसफर कर सकते हैं ए बी के अंदर, राइट? बट अभी आपको 2 दिन बाद या 3 बाद की आपको ए वाली कंपनी भी यूज करनी, फर्स्ट वाली, तब आपको एक क्रेडिट यूज करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप अगर ए की इनेबल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट? यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया है, आप उसको रीड करिएगा एंड आपकी जो स्प्लिट कंपनी वाली जो क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगी। और थैंक यू समय सर, हम ट्राई करेंगे कि आगे भी और भी इस तरह से हम सेमिनार करते रहें। इज देयर एनी डेमो वीडियो अवेलेबल? जय सर, यस, यूट्यूब पे सुवेत सर की सर्च कीजिए, आपको पूरा वहाँ पे ट्यूटोरियल मिल जाएगा। ओके सो वी आर बाइंडिंग अप दिस सेशन फॉर टुडे, एंड जल्दी हम आपके लिए कुछ नया फीचर लेके आएंगे, या तो फिर हम कोई एक ट्रेनिंग सेशन लेके आएंगे। आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में सबसे पहले लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन अस एंड यस वी विल हेल्प यू। थैंक यू एवरीवन टू ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।